अब तक की कहानी में आपने सुना। मधु की अदाओं के सामने आखिर रवि अपना दिल हार बैठा। उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो खुद भी शादीशुदा है। अब सुनते हैं आगे। ठीक 9:30 बजे वो टिफिन लेकर आई, लेकिन अपनी नेचर के विपरीत वो बेहद शांत और गंभीर थी। रसोई से थाली और गिलास लाई और जग में पानी, खा लीजिएगा, और वो बिना कुछ कहे वापस ऊपर चली गई। उसके इस व्यवहार पे मुझे ताजुब हो रहा था। खैर, मैंने खाना शुरू करने के लिए टिफिन खोला। टिफिन के ऊपर वाले डिब्बे में ही एक तह किया गया कागज रखा था। मैंने उत्सुकतावश खोल कर देखा तो उस पर कुछ लिखा था, लेकिन मुझे जोर से भूख लगी थी तो मैंने पहले खाना खाया। खाना बिल्कुल ऐसा जैसे शगुन ने बनाया हो। शायद मधु को शगुन ने खाने में मेरी पसंद बता दी होगी। हाँ, वो खत था मधु का मेरे लिए, जिसमें उसने मेरे प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कुछ ऐसे किया था। क्या कहकर तुम्हें संबोधित करूं, लेकिन इतना जान लो कि तुम मुझे भा गए हो। तुम्हें पहली बार ही देखने में लगा कि कोई मेरा अपना, जो कहीं खो गया था, वापस आ गया है मेरे पास, मेरे लिए। हां सच्ची, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है जिसे मैंने अपना सब कुछ मान लिया था। मेरा सर्वस्व था वो, लेकिन जीवन की नैया को बीच मझधार में ही छोड़कर वो पता नहीं कहां चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल अनजान कि उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा उसकी याद रहती। तुम्हें देखकर लगा जैसे ईश्वर ने मेरी सुन ली, उसके रूप में तुम्हें मेरे पास भेज दिया, या वो तुम्हारा रूप धरकर वापस आ गया मेरे पास। तुम में वो दिखता है मुझे। तुम्हें रिझाने की कोशिश करती हूं, लेकिन तुम तो भगवान जाने कैसे हो पता नहीं। जानती हूं ये सब पढ़कर तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। कितनी निर्लज है ये, जो एक पर पुरुष से ऐसी बात कर रही है ना। बहुत प्यार करने लगी हूं तुमसे, और हां, मैंने शगुन दी को भी बता दिया है, और वो भी मेरी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती हैं। सच में मेरे पति बहुत सीधे इंसान हैं, बहुत इज्जत करती हूं उनकी। पता है मेरा तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन अपने मन का क्या करूं। हां, मेरे मन के मंदिर में तुम्हारी मूरत स्थापित हो गई है। इसमें भगवान जी की भी मर्जी है कहीं ना कहीं, नहीं तो उनके रूप में तुम क्यों यहां आते। हमें मिलना ही था एक दिन। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यदि ये एक तरफा है, तुम्हें मंजूर नहीं, तो जब मैं टिफिन लेने आऊंगी तो इस खत के मेरे सामने टुकड़े टुकड़े कर देना, और अगर मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तुम्हारे मन में, तो इस खत को मेरे सामने अपने होठों से लगा लेना। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरे लिए तुम मेरे हो चुके हो। तुम्हारी पगली। ये खत पढ़कर उन्मादित हो उठा मैं। उसे पाने की चाह बढ़ गई थी। सोचने लगा कि क्या कोई स्त्री इतनी भी बोल्ड हो सकती है। जहां स्त्री चाहती है कि उससे प्रेम के इजहार की पहल उसका प्रेमी करे, लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टी स्थिति थी। मुझे अपनी किस्मत से ईर्ष्या होने लगी। इतनी जल्दी मेरे मन की मुराद पूरी हो रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। खैर, वो आई। सच में उसे अपने घर में कोई कुछ नहीं कहता था, उसकी मर्जी से ही सब होता था। मैं उसे देख थोड़ा गंभीर हो गया।
वो थोड़ा दूर ही रही। मैंने ना खत के टुकड़े किए और ना ही होठों से लगाया, बस मधु को देखता रहा, निर्विकार सा। वो असमंजस में थी, थोड़ा उसके चेहरे पर भय भी नजर आ रहा था। उससे रुका नहीं गया, बोली, अब कुछ करो भी, या तो होठों से लगाओ या फाड़ दो, लेकिन जल्दी। उसका ये बोलते ही मुझे हंसी आ गई और मैंने खत को होठों से लगाकर चूम लिया। उसके चेहरे की चमक वापस आ गई, बल्कि खुशी से और भी ज्यादा हो गई थी। मैं खड़ा हुआ और बिना किसी संकोच के उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो मेरे आगोश में ऐसे सिमटी जैसे कितनी सदियों से इस पल का इंतजार कर रही हो। मैंने उसके माथे पर हल्का सा चुम्बन अंकित कर दिया। उसके गाल शर्म और लाज से सुर्ख हो गए थे। वो धीरे से बोली, कल ऑफिस मत जाना, कुछ जरूरी काम है तुमसे। और उसने खुद को मेरी बाहों से मुक्त किया और जल्दी से चली गई। आज का दिन कितना हसीन था। कितने दिनों से उसे सोच सोच के पागल हो रहा था, और आज वो खुद से ही। और फिर मैं सुबह के इंतजार में मीठे मीठे सपने बुनता हुआ सो गया। उस दिन बहुत गहरी नींद आई थी। सुबह देर से आंख खुली। आज उसके गाने की आवाज भी नहीं आ रही थी। अब उसका काम तो हो गया था, अब रिझाने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी ने बाहर दस्तक दी, वो कभी दस्तक नहीं देती थी, चली आती थी बेधड़क। कोई और होगा। मैंने दरवाजा खोला, देखा तो बाहर गुप्ता जी थे, मधु के पति। मैं घबरा गया, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया। लेकिन उनके हाथ में टिफिन देखकर तसल्ली हुई। लीजिए आपका नाश्ता। वो मुझे टिफिन पकड़ा के चले गए। अपने सारे काम करके मधु का इंतजार करने लगा। एक एक पल भारी हो रहा था। पता नहीं कब आएगी। कुछ टाइम तो उसने बताया नहीं था, लेकिन मुझे आभास था कि 11 बजे के करीब आएगी। लेकिन अभी तो सिर्फ 10 बजे थे। पूरा एक घंटा, 60 मिनट 3600 सेकंड, ये इंतजार की घड़ियां भी कितनी लंबी होती हैं। एक सेकंड जैसे एक दिन, एक मिनट जैसे एक महीना, और ये एक घंटा तो कभी खत्म नहीं होने वाला हो जैसे। मैं बेचैन हो रहा था और उन मैम साहब की कुछ खबर नहीं थी। ऊपर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी। मन उद्विग्न हो रहा था मेरा, क्या पता वो ना भी आए। तरह तरह की आशंकाएं मेरे दिल में आने लगी। शायद ये सब नेचुरल था। जिंदगी का हर आने वाला पल बिल्कुल अनिश्चित है, और जब हम परेशान होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं। मैं मन ही मन उसके आने की दुआ करने लगा। मधु को शायद मुझे बेकरार करने और तड़पाने में सुख की अनुभूति हो रही होगी, तभी तो वो नहीं आई अभी तक। मुझसे ऑफिस न जाने के लिए बोल दिया, और खुद मैम साहब पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आ रही। क्या पता, आज पहली बार मैंने रूम की खुद सफाई की थी और बिस्तर की चादर भी बदली थी। ना जाने कितने सपने उसको लेकर मैंने संजो लिए थे। इंतजार में पागल हो गए ना बाबू, यह कहते हुए वो मेरे सामने थी। वो शायद चुपचाप दबे पांव आई थी, बिना किसी आहट के वो मेरे सामने थी, और मैं उसे अपलक निहारता रह गया। लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल बिंदी, उसका मुस्कुराता चेहरा और उसके खुले बाल, अद्वितीय रूप की स्वामिनी लग रही थी मधु।
बहुत वो हो तुम, मैं उलहाने स्वर में बोला। वो क्या बताओ तो? उसने अपनी ठोड़ी पर अपनी हथेली रखकर सोचने की मुद्रा में कहा। इतनी देर जो लगा दी, कब से इंतजार कर रहा हूं, मैंने कहा। अच्छा जी, और मैंने जो तुम्हारी इतनी बरसों राह देखी उसका क्या? कहते कहते वो भावुक हो गई थी, उसकी पलकें भी नम हो रही थी। मैं उठा और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों से ढांप लिया, उसे निर्निमेष देखने लगा। काश ये पल यहीं रुक जाए, वो यूं ही मेरे सामने हो और मैं ऐसे ही उसे अपलक निहारता रहूं। उसने अपने कोमल हाथों से मेरे हाथों को अपने चेहरे से अलग किया। मैं पलंग पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास ही बैठा लिया। ना मैं कुछ बोल पा रहा था और ना वो। हाँ, दोनों एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बैठे रहे। मुझे बेचैनी हो रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं बैठे बैठे उसके बालों को सहलाने लगा और उसके बाल सामने लाकर उसके चेहरे पर फहरा दिए। बिल्कुल मखमली बाल थे उसके। वो प्यार से मुझे देखती रही। मैंने उसे थोड़ा और पास लाकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख लिए। उसे अच्छा लगने लगा था मेरा यूं प्यार करना। वो मेरी गोद में सिर रखकर बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में मौन निमंत्रण था। मैं उसके गर्दन और गले पर हर तरफ हल्के हल्के से अपने होंठ रखता रहा। वो लेटे लेटे सिहरने लगी। उसने अपनी बाहों से मुझे कस के भर लिया। मैंने उसके कान की लो पर हल्के से चुम्बन अंकित किया और फिर दूसरे कान की लो पर। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने मुझे अपने हाथों से लिटाना चाहा। अब हम दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि हम दोनों को एक दूसरे की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उसके माथे, उसके सुर्ख गालों, उसकी पलकों, उसकी नाक, उसकी ठोड़ी, हर तरफ चुम्बन अंकित करने लगा। उसकी पलकें बंद थी। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और दोनों के होंठ ऐसे आपस में चिपक गए थे मानो कभी ना अलग होने के लिए। और उसकी सिहरन एकदम से बढ़ गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सुख की अनुभूति स्पष्ट नजर आने लगी थी। उसकी साड़ी का पल्लू खिसक गया था। मैंने उसे अपने आगोश में ले लिया। अब हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मैंने उसके गले के नीचे अपने होंठ रख दिए। अब मेरे चुम्बनों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। मैं ताबड़तोड़ उसके गले और चेहरे के हर हिस्से को चूम रहा था और वो पागल सी मुझे बाहों के बंधन से जकड़े हुए इस अलौकिक प्रेम का आनंद ले रही थी। बिल्कुल बेसुध, बिल्कुल मदहोश, सहसा पता नहीं क्या हुआ उसे। उसने खुद को मेरे बंधन से आजाद किया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, वो सुबक रही थी। मेरी कुछ समझ में ना आया कि ये एकदम क्या हो गया उसे। उसके इस बर्ताव से मैं भी घबरा सा गया था। क्या हुआ मधु, मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस सुबकती रही। बताओ तो मधु, मैंने खड़े होकर थोड़ा जोर से कहा। हे भगवान, मुझे क्या हो गया था, वो बोली। उसने अपने आंसू साफ कर लिए थे। थोड़ा संयंत थी। नहीं नहीं, ये पाप है,
मैं दोषी हूं, शगुन दी की और उनकी भी और आपकी भी। मुझे नहीं पता मेरे मन में यह ख्याल आया भी कैसे। शायद उसकी यादों ने मुझे इतना पागल बना दिया था कि मैं सही गलत में फर्क नहीं कर पाई। शगुन दी कितनी अच्छी हैं, कितना मानती हैं मुझे, बिल्कुल छोटी बहन की तरह। अब मैं समझ चुका था उसके रोने की वजह। मुझमें अपने पूर्व प्रेमी को देखकर वो अपने अतीत में खो गई थी, जहां उसे खुद के और अपने प्रेमी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जिसकी उसे कब से चाह थी। उसे मुझमें देखकर वो अपने वर्तमान को भूल गई थी। आप मुझे माफ कर दोगे ना? लेकिन इसमें मधु का अकेले कोई कसूर नहीं था, मैं भी उतना ही गुनहगार था। मैं भी उसे समझा सकता था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर तो खुद उसे पाने की चाह थी। शायद मेरे लिए मधु ही नहीं दुनिया की कोई भी स्त्री होती, मैं वही करता जो मधु के साथ किया। यही पुरुष की प्रवृत्ति होती है। मैं खामोशी से उसे देखता रहा और कुछ देर बाद वो धीरे धीरे कदम रखते हुए ऊपर चली गई। उसके बाद वो खाना देने नहीं आई, अपनी ननंद के हाथ या गुप्ता जी के हाथों भेजती रहती, और मैं भी उसे भूलने की कोशिश करने लगा।